ये सरप्राइज कर लाया है। उन्होंने कहा कि 1.5 बता दिया मेरे मामा ने। पसीने आ रहे हैं, इसे चक्कर आ रहे हैं, ठंडी हो गई बिल्कुल। क्या? नहीं नहीं, फोन दो और फोन लो, मतलब अगर आप लो तो फिर दो। मैडम कहाँ जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। हम दोनों माँ बेटी आए हैं इस वक्त ब्लड बैंक, क्योंकि याया को 3 पिंच ब्लड के और अबाउट 10 पाउचेस 50 ml के, 8 पाउचेस 50 ml के उसके प्लेटलेट्स के लगे हैं। तो वो जो ब्लड बैंक्स होते हैं वो उसकी रिप्लेसमेंट मांगते हैं, तो हम अभी आके बिस्मिल्लाह पढ़ के चेक कराते हैं। अगर हमारे खून में इतना दम हुआ तो फिर आपकी में तो है, अभी तो कराया था। तो मैं, नबीहा और अनिया जो हैं वो अभी यहाँ पे ब्लड बैंक आए थे, पर्ची लेके, नंबर लेके हम ऊपर जा रहे हैं नबीहा को लेने, फिर वापस आएँगे और ब्लड देंगे। और याया की अपडेट ये है कि ही इज़ बेटर टुडे, उनके WBC भी बेहतर हैं, थोड़े एक्टिव भी लग रहे हैं, इरिटेबल हैं ऑब्वियसली, that is because he's been bedridden for 5 days और चलना फिरना नहीं है, फिर डिपेंडेंट हैं तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। आई एम श्योर किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो होपफुली परसों डिस्चार्ज कर देंगे ये, तो इंशाल्लाह देन विल गो होम। तो विच इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उनको आदत है हॉस्पिटल की, वापस से चलना फिरना, फिर एक तरह से एक रिहेबिलिटेशन का ही सिलसिला शुरू होगा उनके लिए, वापस से उन्हें इंकरेज करना, चलना फिरना और बैठना, बाहर आके बिस्तर से उठना, खाना पीना, अभी भी थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं खाने पीने में, बट होपफुली विद टाइम ही विल गेट बेटर, बिकॉज़ उनको डेली एहसास तो मैं दिलाती हूँ कि खाना पीना कितना इम्पॉर्टेंट है। जी अब हम आए हैं नबीहा को लेने, और नबीहा को लेके फिर हम वापस से नीचे जाएंगे, कोई 10 मिनट की वॉक है, और उसके बाद फिर तीनों बहनें बैठ के ब्लड देंगे। आई थिंक दिस विल बी माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने पहले ट्राई की मगर हीमोग्लोबिन की वजह से आई कुंट। तो दिस टाइम आई एम होपिंग के थोड़ी हालात बेहतर हों, तो लेट्स सी। ये सरप्राइज कर लाया है, ऐसा इसने सरप्राइज दिया है कि आप तो हुई नहीं सरप्राइज। मेरा मास्क था, आपको मेरा खुला मुँह नज़र कहाँ है? लाइव बड़ी ज़बरदस्त एक्टर हो वैसे। इस दफ़ा सबने इतनी थप रिएक्शन दिए कि मुझे लग रहा है थोड़े टाइम बाद आना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा सरप्राइज देने। शट अप। देखते हैं आपका कितना निकलता है। मैं तो रिजेक्ट हो गई हूँ 11.7 पे, देखिए 12.5 चाहिए। ताहिर अंकल दे सकते हैं? नहीं, उनको ऐसा है कुछ इस तरह की मेडिसिन पे जो हूँ वो नहीं दे सकते, ईमान छोटी है बहुत। भाई ये मैडम ने ब्लड डोनेट किया है, सिर्फ अब मैंने सिर्फ शी वाज एलिजिबल, अब इनको कैफेटेरिया लेके आई हूँ कुछ खिलाने पिलाने, रिकवरी कराने। इट्स क्लोज, कहीं और से आने इधर से उधर। चलो जी बताओ क्या खाना है। मेन्यू देखते हैं, क्लब सैंडविच है, जूस है, एंड दे हैव नाइस डेजर्ट्स। I'm on my diet. सूप पी सकते हैं, बस कॉफ़ी है। इस लड़की ने मुझे डरा दिया, सीरियसली मेरी जान निकाल दी। अभी सैंडविच की पहली बाइट मेरे गले में हलक से नीचे उतरी नहीं है, और पसीने आ रहे हैं, इसे चक्कर आ रहे हैं, ठंडी हो गई बिल्कुल। इसने क्या किया, जब हम नहीं दे सके, जब ये ब्लड दे के आई है तो बजाय इसके कि कुछ मीठा पीती, इसने पहले सूप पिया, ब्रेड खाई। वो खाने से वैसे ही बीपीज और प्रेशर्स लो होते हैं। बड़ी मुश्किल से अभी तबीयत थोड़ी संभली है इसकी। अस्सलाम वालेकुम, 5वें दिन जो सिचुएशन है वो ये है कि आज इनके WBC थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं, लाइक परसों तक तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहे थे, ट्रेस नहीं हो रहे थे। कल जो थे वो 0.8 थे और आज 1.1 है, विच इज़ अ गुड साइन। हीमोग्लोबिन सस्टेन कर रहे 10.89 पे, लेकिन प्लेटलेट्स जो हैं वो 32,000 हैं, जो कि कम से कम 1.5 लाख होने चाहिए।
बट स्टिल आज डॉक्टर आई थी राउंड पे, उन्होंने कहा है कि कल इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे इंशाल्लाह, इनकी मेडिकेशंस वगैरह एडजस्ट हो गई है। आज डॉक्टर बाकी जो इनके कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो भी आएंगे राउंड पे और देखते हैं वो क्या कहते हैं। बीपी वगैरह सीम्स टू बी अंडर कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स जस्ट दैट ही इज़ बिकम वेरी इरिटेबल, जो कि विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा है और अब एक्सट्रीम पे है। एंड आई एम जस्ट सो सरप्राइज्ड कि ये मतलब क्या रीज़न हो सकता है कि जब इनके जब ये बेहतर भी हो रहे हैं तब भी इरिटेबिलिटी है। तो आई थिंक थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है मे बी, यू नो। सो लेट मी डिस्कस विद द डॉक्टर, वो आते हैं तो मैं बात करती हूँ कि क्या रीज़न हो सकता है और इसका क्या करना चाहिए। तो ये थी अभी तक की अपडेट, लेट्स सी। जी, लेटेस्ट अपडेट शाम के कोई 5:30 बजे तक ये है कि कल का इनका डिस्चार्ज का प्रोग्राम है। मैं देख रही हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ बेटर, बस थोड़ा सा स्टमक अपसेट हुआ है, तो आज कार्डियोलॉजिस्ट आ जाएं विज़िट पे तो वो सारी चीज़ें देख के दवाइयाँ वगैरह सेट कर दें। अन्या ने कल ब्लड डोनेट किया था, बिकॉज़ यहाँ पे ये सिस्टम है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो वो पॉइंट जो होता है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो मेरे तो हीमोग्लोबिन वैसे तो ठीक थे मेरे और नबीहा के, नबीहा ने बहुत कोशिश की ब्लड दे दे मगर वो नहीं पॉसिबल हो सका, बिकॉज अंडर 18 ब्लड नहीं दे सकते। लेकिन मैंने हीमोग्लोबिन चेक कराया तो हम दोनों का सेम ही 11.7, सो इट्स नॉट दैट बैड। ये जी जोड़ी आ गई है यहाँ पे, अभी आया का हो रहा है लाउंज, इसलिए हम लोग यहाँ लाउंज में बैठे हैं। लाउंज में बैठ के फिर अभी हम जाएंगे। ये लुक रियली नाइस, ये ब्लू वाला अच्छा लग रहा है। ये वही जो हमने साथ लिया था उसका दूसरा कलर भी लिया। अच्छा जी, थोड़े से टिप्स मैं अटेंडेंट्स के लिए और विजिटर्स के लिए बताना चाह रही हूँ। वो ये कि वेन एवर यू आर विजिटिंग अ पेशेंट, वो विजिटर्स को कम से कम आना चाहिए। ट्रेंड ये होना चाहिए कि अगर वो आए भी तो अटेंडेंट से मिल के रिपोर्ट लेके फूल वूल जो भी बेस्ट विशेज हैं वो उनको हैंड ओवर करके चले जाएं, क्योंकि पेशेंट का इंटरेक्शन विजिटर्स के साथ इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल में बहुत इन्फेक्शंस लेके आ सकता है, तो वो पेशेंट बजाय ठीक होने के हो सकता है और ज़्यादा बीमार हो जाए। तो इसलिए बहुत प्रोलॉन्ग्ड विजिट्स नहीं होनी चाहिए, पेशेंट के रेस्ट का टाइम और ये सारी चीज़ें देख के आना चाहिए। सो बेसिकली हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है कि मिलने आना हॉस्पिटल में, विच इज़ गुड, करना चाहिए ज़रूर, खबरगिरी रखनी चाहिए, मगर अगर पेशेंट जैसे अभी आया की रिपोर्ट्स हैं उसमें CBC अभी भी बहुत लो है, प्लेटलेट्स कम है, तो बहुत रिस्क पे हैं वो, कोई भी इन्फेक्शन और ये चीज़ें बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं। तो पेशेंट्स को स्पेशली अगर कीमोथेरेपी का पेशेंट हो, आप कोशिश करें कि उनसे तो आप दूर ही रहें, बजाय सिर्फ वो एक अटेंडेंट जो उनके साथ है, जो पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका ख्याल रख रहा है चीज़ों का, बिकॉज कीमो में भी इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है, तो यू कैन कैच इन्फेक्शंस और बजाय ठीक होने के आप और बीमार हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आई थॉट आई मस्ट यू नो शेयर इट विद यू कि इन चीज़ों का ज़रा सा ख्याल रखें, और अगर आपकी नीयत ये हो और उसके बाद भी कोई माइंड करे तो फिर इट्स ओके। आपको आपके लिए उनकी हेल्थ और उनकी वेल बीइंग मैटर करनी चाहिए, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो खबरगिरी रखें फ़ोन तक, मैसेज तक, ताकि आपको अवेयरनेस रहे और अपनी हेल्प ऑफ़र करें, अवेलेबिलिटी ऑफ़र करें कि इफ़ दे नीड समथिंग योर देयर, कोई काम हो कुछ हो, तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मैं अभी जाके आपकी आया से थोड़ी सी बात कराती हूँ एंड सी हाउ ही इज़ टुडे। आप लोगों की दुआओं का दिल से शुक्रिया, बिकॉज़ यूव बीन सेंडिंग ब्यूटिफुल मैसेजेस एंड प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेज एंड योर लव फॉर हिम, जे विच मीन्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह, अल्लाह ताला सबको जजाए खैर दे। किसको मैसेज किया? आनिया को। आनिया को आंटी, मैसेज किया, जवाब नहीं दे रही आंटी।
तो इतनी लेट क्यों आई हो तुम? क्योंकि मुझे लगा मुझसे नाराज है। तू घर पे थी कब से? मैं घर पे थी। अच्छा दिन कितने लेट आई? हाँ पूछे ऐसे जरा। मैं आई हूँ इसलिए रहने के लिए आई, पहले नहीं रुकी ना। मैं आपके बगैर आती ही नहीं है, मैं इससे नाराज हूँ। हाँ ठीक, इवन यू नो मैं आती हूँ। नहीं आई नो, मैं ही तो कह रही हूँ कि नहीं आती। आंटी झूठ नहीं बोले, आपको पता है मैं आनिया के बिना भी आप लोगों को मिस करती हूँ। मैं वैसे जब बोला ना कमरे में जा रही थी, अम्मी की फिजियो बना सुबह सवेरे आ जाते हैं। आंटी झूठ बोल रही है। 1.5 बता दिया मेरे मम्मा ने। 1.5 बोला है मम्मा ने तो। जेडी आपके कान कितने बड़े हैं। पता है मैंने सुना है जिन जिनके लंबे कान होते हैं ना वो इंटेलिजेंट बहुत होता है, ये मैंने सुना है वाकई में। क्योंकि मुझे कोई बोल रहा था तुम्हारे बहुत छोटे हैं, बदतमीज डैडी का मजाक उड़ा रही है। इंटेलिजेंट है ये फिर तो तुम बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत हो, ये क्या है, तुमसे तो बड़े ही है मेरे। तो मम्मा किसकी? हाउ आर यू मिस्टर सिद्दीकी? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके। बताएं अपने बारे में कुछ। हाँ मेरी तबीयत अब बेहतर है और मेरे सुबह जो टेस्ट हुए थे उसमें पहले से बेहतरी आई है, एक्सेप्ट पेशेंट्स में थोड़ी सी कमी आई है और अदरवाइज डब्ल्यूबीसी में 1.5 हो गया और मेरा हीमोग्लोबिन 10.68 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट एंड दे आर सेइंग दैट वी आर जस्ट वेटिंग फॉर डब्ल्यूबीसी के साथ और इंक्रीज हो जाए तो फिर हम आपको कल चलेंगे। आपको पता है सबने इतनी दुआएं की हैं आपके लिए, इतनी दुआएं भेजी हैं कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु सेंट प्रेयर्स फॉर यू। अल्हम्दुलिल्लाह आज आया डिस्चार्ज हो गए और घर आ गए। सुबह मेरी फ़्लाइट थी लाहौर में, मैं अपना प्ले जो है वो काफ़ी दिन से डिले कर रही थी तो अब मैं लाहौर आ गई हूँ। शूट स्टार्ट हो गई है मेरी, तो ये भी मोमेंट्स आपसे शेयर करूँगी। बट द गुड न्यूज़ इज़ अल्हम्दुलिल्लाह या इज़ फीलिंग बेटर और वो घर आके बहुत कम्फर्टेबल हो गए हैं। अभी मेरी बात हुई है तो नबीहा को अनिया ने सारी मेडिसन्स लिख के समझा दी हैं बहुत ही इजी वे में, सो दैट यू नो नथिंग शुड गो रॉन्ग। तो उनके ब्लड प्रेशर की प्रेशर्स का थोड़ा मसला है, अभी प्लेटलेट्स का मसला है, बट क्योंकि इन सब चीज़ों को रेज़ करने के लिए उनको मेडिसन्स इंजेक्शंस और फेलजीन और ये सब लग रहे थे तो इस वजह से अभी उनकी बॉडी जो है वो शॉक में है। सो आहिस्ता आहिस्ता इट विल कम बैक टू नॉर्मल होपफुली अल्हम्दुलिल्लाह। इस ब्लड प्रेशर की वजह से उनके चेस्ट में पेन नहीं हो रहा। सो कार्डियोलॉजिस्ट का कंसर्न ये था कि अगर इस इतने हाई बीपी के साथ चेस्ट पेन्स हो रहे हैं तो दैट कुड बी अ कार्डियक कंसर्न। बट आज उन्होंने भी चेक करके सुबह अच्छी तरह से डिटेल डिस्कशन करके उनको अच्छी तरह एग्जामिन करके रिपोर्ट्स चेक करके क्लियर कर दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ होम। नबीहा ईमान के साथ अनिया भी वापस चली गई है मैं दो रातों की जागी हुई हूँ, मैं अब सोने लगी हूँ। आज एयरपोर्ट से आते ही मैं शूट पे चली गई थी और कोई 11 बजे वापस आई हूँ। आके सबसे बारी बारी बात की है मैंने, तो अब मैं ज़रा अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करूँगी। सुबह 10 बजे मेरी गाड़ी आएगी तो विल गो बैक टू दिस शूट, वही प्ले जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था जिसमें मेरा एक सिखनी का कैरेक्टर है। सो उसका लुक भी बहुत अच्छा बना है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उस पर मैंने आज एक पिक्चर लगाई थी पगड़ी के साथ एंड ऑल। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लुक बना है। ऑल दो आई वॉज वेरी टायर्ड एंड वेरी स्लीपी बट स्टिल काम काम है, तो I just managed to work the whole day and did not ask for a break or anything. तो अच्छा रहा, I am satisfied, I'm happy. Direction बहुत अच्छी है, shots बहुत अच्छे हैं, location बहुत मज़े की है। तो अभी तो हम दो characters के scenes हुए हैं आज, कल भी दो characters के scene हैं, तो परसों से फिर characters और बढ़ते जाएंगे।
तो इंशाल्लाह 21 को मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि 22 से मेरी बुलबुले की शूट है, तो वो ख़त्म करके 2-3 दिन बच्चों के साथ गुजार के फिर वापस आऊँगी फॉर द सेकेंड स्पेल। तो एनीवेज़ अभी तक तो ये प्लान है, बट प्लान्स चेंज होते रहते हैं, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो प्लान ये है कि ये शूट चल रही है एंड आप लोग मेरा प्ले देख रहे हैं धोखा, जो कि भी चल रहा है ARY पे, सो उसका भी फीडबैक दीजिएगा कैसा है। मेरा बड़ा ईवल कैरेक्टर है, बड़ा नेगेटिव रोल है, बट ओवरऑल स्टोरी जो है वो है तो एक सबक ही है लोगों के लिए, बट अच्छा प्ले जा रहा है, मुझे अच्छा फीडबैक मिला है। तो जी चलें, दिस इज़ इट फ्रॉम द वीडियो एंड अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन पहले तक बहुत परेशानी थी, चीज़ें जो थी वो अप डाउन चल रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था। आज सिचुएशन अच्छी है, कल फिर उनके WBC डाउन हो जाते थे, तो इस तरह से तो काफ़ी फिक्रमंदी में और परेशानी में ये टाइम गुजरा है। तो बस आपकी दुआएं जस्ट वर्क्ड अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं किसकी दुआ लगी है, आगे भी दुआएं करते रहें जब तक कि ये इनके ब्लड रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल नॉर्मल रेंजेस में नहीं आ जाती एंड ही फील्स एक्टिव इनफ टू फील लाइक वॉकिंग, तो दैट विल बी द डे आई वुड से कि यस ही इज़ ओके नाउ, ही इज़ फिट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इंशाल्लाह द टाइम विल कम सून, बिकॉज अब नेचुरली भी वो टाइम अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स के कुड बी एनी टाइम के उनके जो वो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं किसी भी चीज़ के, उस मेडिसिन के, इंजेक्शन के, तो वो अब रिवर्स भी होना शुरू हो जाएंगे। तो वी आर होपिंग कि ये वही हो और इंशाल्लाह एवरीथिंग शुड कम बैक टू नॉर्मल। तो चलें जी, अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मैं अब सोने लगी हूँ, टुमारो इज़ अनदर लॉन्ग डे। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगी अपना लुक इस प्ले का और प्ले के मोमेंट्स, लोकेशन एंड आपको मज़ा आएगा। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर बला और आफत से बचाए, बुरी नज़र से बचाए और हर बुरे असर से बचाए, आपको आपकी फैमिलीज़ को। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।